हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले रेस्टोरेंट कैशियर के जॉब के बारे में। सो, ये जो वीडियो है वो रेस्टोरेंट सीरीज का चौथा वीडियो है। बाकी जितने भी वीडियोस इसके रिलेटेड हम अपलोड करेंगे, रेस्टोरेंट रिलेटेड जितना भी पूरा सीरीज का जितना भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, उसका सारे के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बीच बीच में आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करते रहिए, वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। सो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एज ए कैशियर किसी रेस्टोरेंट में या फिर कहीं पर भी अगर आपको काम करना है, तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, जो कैशियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे और जो ड्यूटी टाइमिंग रहता है, या फिर मान लीजिए जो भी वीकली ऑफ, जो भी सैलरी, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग, वो सारे इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आप एज ए कैशियर काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि कैशियर का मतलब होता क्या है, कौन वो बंदा होता है, क्या वो डिजिग्नेशन होता है, उसके बारे में छोटा सा चीज हम जान लेते हैं। तो जब भी हम कैशियर का बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में, हमारे दिमाग में आता है कैश, यानी जो बंदा काउंटर पे बैठ पे, जो बंदा गले में बैठ के जो कैश को मैनेज करता है, उसी को बोलते हैं हम कैशियर। तो कैशियर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। तो एक एक करके सारे डिटेल में हम समझते हैं। जो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कैशियर का, वो है कैश एक्सेप्टिंग करना, यानी कैश एक्सेप्ट करना। वो कैश जो एक्सेप्ट करेंगे वो वेरियस टाइप का कैश होगा, टेबल का, जो भी रेस्टोरेंट में जो भी बिल आता है, जो टेबल का बिल आता है, उसी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके अलावा भी गाइस, बाहर से भी बहुत सारे बिल्स आते हैं, उनको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ग्रोसरीज बिल हो गया, मिल्क वगैरह का बिल हो गया, जो भी बाहर से सामान आता है उसका भी बिल हो गया, उन बिल को मैनेज करना, उन सारे सबको पेमेंट करना, या फिर पेमेंट की कहीं से भी पेमेंट एक्सेप्ट करना, वो सारे होता है कैशियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चलिए जान लेते हैं कि एज अ कैशियर अगर आप रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं तो आपको किस तरह का काम करना पड़ता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। तो एज अ कैशियर जब आप होटल पे जाते हैं, अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट रहता है या फिर इवनिंग का कोई शिफ्ट रहता है, अगर आपको दो शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है तो कैसे आपको शिफ्ट मैनेज करना पड़ता है वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले जब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, मॉर्निंग शिफ्ट अगर रहेगा, तो वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहला जो काम होता है आपका होता है, जितना भी गले में जितना भी पैसे रहेंगे, काउंटर पे जितना भी कैश रहेंगे, उस कैश को आपको एक एक करके नोट वाइज आपको काउंट करना पड़ता है। 100 का नोट कितने हैं, 100 का नोट, 200 का नोट कितने हैं, 500 का नोट कितने हैं, तो सारे चीज़ें आपको नोट वाइज कैश काउंट करके सारे चीज़ें सबसे पहले आपको बुक में लिख के रखना पड़ता है। तो ये होता है सबसे पहला काम। उसके बाद जो भी बिल वगैरह आएंगे, वो आना जाना, लेना देना बहुत सारे होता है, वो पूरे दिन भर आपके साथ, पूरे शिफ्ट में आपके जो भी आप जितना टाइम आप काम करते रहते हैं वो आते जाते रहते हैं, तो उन सारे चीज़ों को तो मैनेज करते ही है आप। उसके बाद क्या होता है, जब आपका शिफ्ट ख़त्म होने होता है, जब आप जाने वाले होते हैं, आप सुबह मॉर्निंग में आए हैं 9 बजे और आपको जाना है 4 बजे, तो जाने के टाइम पे भी अगर आप किसी को हैंडओवर करके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपका काम ख़त्म नहीं होता है गाइस। वहाँ पे भी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट होता है कि 4 बजे जो है, आप जाने से पहले आपको दोबारा सारे कैश जो है उनको, कैश को काउंट करना पड़ता है, सारे बिल को एक साथ सेटलमेंट करके रखना पड़ता है, और जिनको आप हैंडओवर देने जा रहे हैं उनको सारी चीज़ें डिटेल में बताना पड़ता है, क्या आया है, क्या पेमेंट हुआ है। बिल तो रहेंगे, फिर भी आपको वो सारे चीज़ें आपको बोलने का ज़रूरत होता है। और उसके अलावा भी क्या करना पड़ता है, और सारे, जैसे कि सुबह आपने सारे पैसे काउंट किए थे, तो जाने के टाइम पे भी आपका जो, जब भी आपका शिफ्ट कंप्लीट होने होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सारे चीज़ें फिर से, सारे नोट जो है फिर से काउंट करके, सारे चीज़ें बुक में लिख के, और वही चीज़ आपका जो भी दूसरा, जो सेकंड शिफ्ट में जो भी कैशियर आएंगे उनको सारे चीज़ें हैंडओवर करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से जो है आज एज ए कैशियर आपको रेस्टोरेंट में काम करना पड़ सकता है। वो जो कैशियर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वो रेस्टोरेंट वाइज भी वेरी करता है कि कौन सा रेस्टोरेंट में क्या क्या काम करना। मैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे किसी रेस्टोरेंट में चेंजेस हो सकता है, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट ऑल रेस्टोरेंट में एज अ कैशियर आपको कुछ इस तरह का काम करना
पड़ता है। तो आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि जो कैशियर का जॉब का टाइमिंग क्या रहता है। जो कैशियर का जॉब का टाइमिंग एज इट इज़ जब रेस्टोरेंट चालू हो जाता है तब से जो कैशियर का जॉब टाइमिंग है तब से चालू हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम जॉब टाइमिंग का बात करेंगे तो वो नॉर्मली रेस्टोरेंट के साथ ही जब खोलते हैं उसके बाद जब ऑर्डर वगैरह चालू हो जाता है रेस्टोरेंट का तब से लेके आपका जब शिफ्ट का जितना भी टाइमिंग रहता है उसी टाइम पे आपको काम करना पड़ता है। लेकिन लास्ट में जो है आपका जिम्मेदारी और भी रह जाता है कि अगर आपका इवनिंग का शिफ्ट है तो क्या करना पड़ता है। अगर आपका मॉर्निंग का शिफ्ट है तो भी जाने के टाइम पे आपको एक बार सारी चीज़ें तो जैसे कि टेली करना ही पड़ता है। और अगर आपका इवनिंग का शिफ्ट है तो रात को आप जाने से पहले भी आपको एक बार सारी चीज़ें एक बार कैलकुलेट करना पड़ता है, एक बार टेली ज़रूर करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि जो भी मैनेजर रहेंगे रेस्टोरेंट का वो आपको थोड़ा बहुत मदद भी कर सकता है। वो भी रेस्टोरेंट वाइज जो भी रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट वेरी करता है। तो अगर हम बात करेंगे जो कैशियर होता है रेस्टोरेंट में उनका ब्रेक टाइम की बात करेंगे तो एज इट इज़ जैसा ऑलरेडी लोग ब्रेक लेते हैं तो उनके थोड़ा आगे पीछे ही उनको भी ब्रेक मिल जाता है। लगभग ऑल रेस्टोरेंट में हर कैशियर को एक ब्रेक ज़रूर मिलता है और किसी किसी रेस्टोरेंट में ब्रेक नहीं भी मिलता है। वो भी डिपेंड करता है सारे रेस्टोरेंट के ऊपर, रेस्टोरेंट के काम के ऊपर, काम करने का तरीका, फार्मूला सारे ऊपर उसका ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहता है। और अगर हम बात करेंगे कि कैशियर को क्या वीकली ऑफ मिलता है वो भी वेरी करता है रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट। लगभग सभी रेस्टोरेंट में कैशियर को भी वीकली ऑफ मिल जाता है। वीकली ऑफ नहीं मिलता है तो 15 दिन में उनको तो मिल ही जाता है, तो कुछ इस तरह का वीकली ऑफ भी कैशियर को दिया जाता है। और आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ी मुद्दा होता है वो होता है हमारा सैलरी का। तो एज ए कैशियर अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो आपको कितना तक सैलरी मिल सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम काम तो कर लेते हैं, मेहनत तो कर ही लेते हैं, लेकिन सैलरी के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते ही हैं कि हम अगर काम करेंगे तो कितना घंटा काम करेंगे और कितना पैसा जो है हमको मिल जाएंगे। क्या वो पैसा हमको वीकली दिए जाएंगे, क्या वो मंथली बेसिस में दिए जाएंगे, तो उसका भी जान लेते हैं। तो एज अ कैशियर अगर आप सैलरी की बात हम करेंगे तो कैशियर का जो सैलरी होता है वो लगभग वो भी सारे रेस्टोरेंट के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा या बड़ा रेस्टोरेंट है, कैसा रेस्टोरेंट है। और छोटा रेस्टोरेंट में रहेगा तो लगभग आप मैं एवरेज जो एस्टिमेटेड अर्निंग बता रहा हूँ वो आपका लगभग 10-12 हज़ार से लेके 20-22 हज़ार तक कैशियर का भी सैलरी रहता है। और गाइस ये जो सैलरी होता है वो लगभग ऑलमोस्ट ऑल रेस्टोरेंट में होता है, वो मंथली बेसिस में आपको सैलरी दी जाती है। तो एज अ कैशियर अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो जो मैंने बताया है सारी चीज़ें, जो भी काम करने का तरीका, जो भी मैंने ड्यूटी का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। तो कुछ इस तरह का आपको सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, कुछ इस तरह आपको काम करने का ज़रूरत होता है रेस्टोरेंट में एज अ कैशियर। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैंने कैशियर रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है। जो मेरे शेयर किए हुए इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और हमेशा की तरह एक बात एंड में जाके बोलूँगा कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुझे पूछ सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।